हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में समीकरण को संतुलित करने वाले वीडियो लेकर आए जो आपके एग्जाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रेलवे ग्रुप में 3 से 4 प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। तो आइए समीकरण को सॉल्व करते और समझने का प्रयास करते कि समीकरण को बैलेंस किया जाता है। आपको हम बारीकी से बताने वाले हैं, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe+H2O रिएक्शन करता है, तो Fe3O4+H2 बनता है, तो इसको बैलेंस करना है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो Fe, यहाँ पे जो अणु है एक है, यहाँ पर अणु 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो गया। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं यहाँ जो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, अपने आप में संतुलित है। आप देखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन की संख्या 4 × 8 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2, इसलिए यहाँ इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं इक्वेशन जो रिएक्शन है संतुलित हो चुका है, अपने आप में बैलेंस हो चुका है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। AgCl2 को अगर हीट करते हैं तो Ag+Cl2 बनता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस समीकरण को हमको बैलेंस करना है। तो यहाँ देख सकते हैं Ag जो यहाँ पे 1 है और यहाँ Ag1 है, ये अपना में संतुलित है। अब यहाँ देख सकते हैं Cl2, यहाँ पे जो क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 ही है, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन का जो इक्वेशन है बराबर हो जाएगा, लेफ्ट राइट बराबर। अब देखेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं Ag जो यहाँ 2 हो चुका है, यहाँ पे Ag1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना में संतुलित हो चुका है। तो इसी प्रकार आप संतुलित करके बना सकते हैं और आसानी से 3 से 4 नंबर आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। PbNO3/2 है, रिएक्शन हीट किया जाता है तो PbO+NO2+O2 बनता है। तो इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो आप देखते हैं Pb यहाँ पे 1 है, Pb यहाँ पे 1 है, अपना में संतुलित। अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो यहाँ संख्या O3×2 है, तो टोटल ऑक्सीजन की यहाँ संख्या 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो आपका है 1 और 2 3 और 2 5, तो यहाँ पर 1 कम है, इसलिए इसको क्या करते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन हो 4, 5, 6। तो आइए समीकरण 3 को सॉल्व करते हैं। PbNO3/2 है, अगर इसको हीट करते हैं तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन को मुक्त करता है। आइए इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो गैज, आप देख सकते हैं यहाँ जो Pb है यहाँ पे 1 है और Pb यहाँ पे 1 है, अपने आप में संतुलित। अब देखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 4 1 5, यहाँ 1 ऑक्सीजन कम है। और देख सकते हैं यहाँ जो नाइट्रोजन है यहाँ पे 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन जो आपका है 1 ही है। अगर इसको ऑक्सीजन को 2 4 1 5, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, तो अगर इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप में ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन 6, यहाँ पे ऑक्सीजन देख सकते हैं 6 हो गया होगा, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 और 6 ऑक्सीजन हो चुका। अब देखेंगे Pb यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो चुका है, जिससे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Pb भी बराबर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन जो आपका है 4 हो चुका है और यहाँ पे नाइट्रोजन जो आपका 1 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ नाइट्रोजन संतुलित हो जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे संतुलित हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। Ag+Br को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो Ag+Br2 बनता है, तो इस समीकरण को बैलेंस करना है। तो आप गाइस देख सकते हैं यहाँ जो Ag है लेफ्ट साइड, इसके अणु 1 है और राइट साइड भी 1, ये अपने आप में संतुलित। अब देखेंगे Br यहाँ पे 1 है और Br यहाँ पे 2 है, 2 है तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाएगा, बट Ag यहाँ पे 2 हो चुका है, यहाँ पे 1, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप में रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Fe+CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर को अलग कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है या किस प्रकार का रिएक्शन है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉपर जो है लोहा से कम अभिक्रियाशील, इसलिए कॉपर को हटाकर लोहा सल्फेट की जगह आ जाता है, मतलब विस्थापित कर देता है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इस समीकरण में बैलेंस करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ Fe जिसे लोहा कहते हैं तत्व है,
यहाँ पे वन है, यहाँ भी वन है, तो आपने संतुलित है। अब देखेंगे सल्फेट, सल्फेट यहाँ एस ओ फोर एक है, सल्फेट भी एक है, कॉपर भी एक है, कॉपर भी एक है, लेफ्ट राइट बराबर, इसलिए अपने आप में रिएक्शन संतुलित है, इसलिए संतुलित करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को अलग कर देता है, तो इसे भी विस्थापन अभिक्रिया करते, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को हटाकर जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर को अलग कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इस समीकरण को देखते हैं अपना संतुलित है या नहीं, अगर नहीं है तो संतुलित करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ जिंक की जो नंबर है यहाँ पर वन है और यहाँ भी वन है, तो ये संतुलित है। आप देखेंगे कॉपर भी यहाँ पे वन है, कॉपर भी वन है, सल्फेट यहाँ भी एक है, कॉपर सल्फेट भी एक है, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि गाइस जो विस्थापन अभिक्रिया से बने वाले जो रिएक्शन होते हैं ये अपने आप में संतुलित होते हैं, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पहचान सकते हैं रिएक्शन से। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो गाइस देख सकते हैं पी बी लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर क्लोराइड प्लस कॉपर को मुक्त कर देता है, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, तो इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं पी बी की जो यहाँ नंबर है वन है, पी बी का नंबर लेफ्ट राइट साइड में वन, अपने आप में संतुलित। अब देखेंगे कॉपर, कॉपर के लेफ्ट साइड में कॉपर एक है, यहाँ भी कॉपर एक है, यहाँ पे क्लोरीन लेफ्ट साइड दो है तो राइट साइड भी क्लोरीन दो है, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित है। शायद आपको स्क्रीन में नहीं दिखा हो तो इसलिए हम फिर से बताने की कोशिश कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पी बी का जो है यहाँ पे वन है, लेफ्ट साइड टू राइट साइड भी वन है, तो ये ये अपने आप में संतुलित है, इसे शीशा कहा जाता है। कॉपर भी यहाँ पर एक है, कॉपर भी यहाँ पर एक है, ये भी अपने आप में संतुलित है। क्लोरीन की यहाँ जो नंबर यहाँ दो है, यहाँ क्लोरीन की संख्या दो है, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर, इसलिए ये जो समीकरण है अपने आप में संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, सोडियम सल्फेट के साथ अगर बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है, तो आइए समीकरण को देखते हैं अपना में बैलेंस है या नहीं, अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सोडियम का नंबर है यहाँ पे टू है और राइट साइड में सोडियम का नंबर वन है, तो ये अपने आप में संतुलित नहीं है, तो इसके टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम बराबर हो चुका है। अब देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे लेफ्ट साइड दो क्लोरीन है, राइट साइड भी दो क्लोरीन, तो अपने आप में संतुलित है। अब देखेंगे बेरियम सल्फेट, तो गाइस आप देख सकते हैं बेरियम जो इसकी जो नंबर है वन है, यहाँ भी वन है, सल्फेट का जो नंबर है वन है, यहाँ भी वन है, तो लेफ्ट राइट साइड बराबर है, तो यहाँ सिर्फ टू से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर नाइन को देखने वाले, अगर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो गाइस आप देखते हैं इस समीकरण को संतुलित करना है। इन्हीं से दो तीन चार प्रश्न पूछ लिया जा रहा है रेलवे ग्रुप डी में, 16-17 के शिफ्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 को पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी शिफ्ट 1 में पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था गाइस, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते तो आप 3-4 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, इसको संतुलित करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो कॉपर यहाँ पे लेफ्ट साइड वन है, यहाँ भी कॉपर राइट साइड वन है, तो आपने संतुलित। अब देखेंगे ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन दो है, राइट साइड ऑक्सीजन एक है, तो ये अपने आप में संतुलित नहीं, इसलिए इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है, बट कॉपर जो है यहाँ दो हो चुका है राइट साइड, तो लेफ्ट वन, इसको भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर दो हो चुका है, लेफ्ट और राइट बराबर हो चुका है, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो चुका है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, अगर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर प्लस जल को मुक्त करता है, आइए इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो गाइस देखते हैं कॉपर जो है एक है, राइट साइड भी कॉपर एक है, तो अपने आप में संतुलित। अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड देखते गाइस वन है और राइट साइड भी ऑक्सीजन वन, तो अपने आप में संतुलित है। अब देखेंगे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड जो है दो और राइट साइड भी हाइड्रोजन दो है, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मिथाइल हाइड्रोक्साइड बनाता है CH3OH, तो इस समीकरण को बैलेंस करना है। तो गाइस देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो कार्बन की नंबर है वन है और राइट साइड जो वन है, अपने आप संतुलित है। आप देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की लेफ्ट साइड टू है और राइट साइड थ्री है, तो इसको
थ्री और एक चार है, तो राइट साइड जो हाइड्रोजन संख्या चार है, लेफ्ट साइड दो है, जिसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी चार हो जाएगा, तो हाइड्रोजन अपने आप में संतुलित कर लेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड ऑक्सीजन की नंबर वन है और लेफ्ट साइड भी नंबर वन है, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ रिएक्शन करता है सूर्य की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मुक्त करता है, इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो गाइस देखते हैं यहाँ जो कार्बन की संख्या है वन है लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो कार्बन संख्या सिक्स है, अगर इसको हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन संख्या बराबर हो जाएगी। अब देखने वाले हाइड्रोजन की संख्या, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन संख्या दो है, राइट साइड हाइड्रोजन संख्या बारह और दो फोर्टीन है, अगर इसको हम सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट और राइट हाइड्रोजन संख्या बराबर हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं हाइड्रोजन संख्या फोर्टीन हो चुका है, राइट साइड भी एच ट्वेल्व प्लस एच टू टू एच फोर्टीन हो चुका है, तो अपने आप में संतुलित हो चुका है। अब गाइस देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख सकते हैं लेफ्ट साइड ओ टू सिक्स है, ऑक्सीजन बारह और सात, बारह और सात उन्नीस हो चुका है। राइट साइड में देखेंगे ऑक्सीजन छः सात दोनों है, अगर इसको हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या आप गिनते हैं तो छः और छः बारह और दो चौदह, तो अभी भी रिएक्शन संतुलित नहीं हुआ है, इसको भी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन संख्या बारह और छः अट्ठारह, अठारह और छः चौबीस। राइट साइड भी देखेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड बारह और सात ऑक्सीजन उन्नीस हो चुका है, तो ये रिएक्शन संतुलित नहीं, अगर इसको हम बारह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए इसको फिर से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ऑक्सीजन की संख्या बारह और सात उन्नीस हो चुका है, तो राइट साइड देखेंगे उन्नीस हुआ है, तो गाइस देख सकते हैं हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या छः और बारह छः अठारह, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन उन्नीस हो चुका है। हाइड्रोजन को गिन लेते के बाद बारह और दो चौदह और हाइड्रोजन भी चौदह, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है, तो ये रिएक्शन अपने संतुलित हो चुका है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व कर दे, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एच थर्टीन को सॉल्व करते हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जल बनता है H2O, तो आइए समीकरण को बैलेंस करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ जो हाइड्रोजन संख्या लेफ्ट साइड दो है, राइट साइड में दो है, तो ये हाइड्रोजन अपने आप में संतुलित। अब देखेंगे ऑक्सीजन की नंबर कितने है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन संख्या दो है और राइट साइड ऑक्सीजन संख्या एक है, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या संतुलित हो चुकी है। अब देखेंगे हाइड्रोजन अपने आप में चार हो चुका है और जो लेफ्ट साइड दो है इसलिए इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन चार हो चुका है, तो रिएक्शन अपने संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, अगर मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या वन है लेफ्ट साइड, राइट साइड कार्बन की संख्या एक है, तो रिएक्शन अपने आप में संतुलित। अब देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड जो है चार है, राइट साइड दो है, अगर इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन बराबर हो चुका है। अब देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट राइट साइड दो है और लेफ्ट साइड भी दो है, तो रिएक्शन अपने आप में बराबर हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, C6H12O6 ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस एनर्जी मुक्त करता है, तो इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो कार्बन संख्या छः है और राइट साइड कार्बन संख्या एक है, तो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन संख्या बराबर हो चुकी है। अब देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या छः दुना बारह और एक तेरह हो चुका है, तो पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे बारह है लेफ्ट साइड और राइट साइड हाइड्रोजन की संख्या टू, अगर इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन संख्या बराबर हो जाएगी। अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब देखेंगे यहाँ पे जो गाय छः और दो आठ है और यहाँ ऑक्सीजन संख्या दो चौदह बारह और एक तेरह, तो ये रिएक्शन आप अपने आप में संतुलित हो चुका है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अगर फेरिक सल्फेट को
हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। इस समीकरण को संतुलित करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गाइस सॉल्व करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं Fe की जो यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो चुका है Fe। अब देखेंगे सल्फेट यहाँ पे 8 हो चुका है, ऑक्सीजन की संख्या 8 है और सल्फर 2 है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ जो सल्फेट की संख्या S जो है सल्फर 2 हो चुका है, लेफ्ट साइड राइट भी S और S 2 हो चुका है, तो अपने आप में बराबर। अब वो देखें ऑक्सीजन लेफ्ट साइड O4 × 2, मतलब टोटल ऑक्सीजन संख्या 8 है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी 8 है। देख सकते हैं O3 O2 O3, तो 3 3 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन संख्या 8 हो चुकी, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर को अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, मतलब इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। तो गाइस इस समीकरण को संतुलित करते हैं, तो आप देखते हैं कैल्शियम की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अपने में बराबर है। आप देखें कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, कार्बन संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 और 2 3, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित है, मतलब इस समीकरण को संतुलित करने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। MnO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो MnCl2 प्लस जल प्लस क्लोरीन को मुक्त करता है, तो इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं Mn की जो है 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर है। अब देखेंगे क्लोरीन यहाँ पे 1 है और क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो लेफ्ट और राइट क्लोरीन संख्या बराबर हो चुका है। अब देखेंगे हाइड्रोजन संख्या लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड भी 2 है, बराबर। अब देखें ऑक्सीजन की संख्या का आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड 1 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, तो राइट साइड भी ऑक्सीजन 2 हो चुका है, तो इस तरह अब ऑक्सीजन 4 हो चुका है, हाइड्रोजन 4 हो चुका है, जो कि लेफ्ट साइड भी 4 है, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन 2 है, इसको भी 4 करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है यहाँ पे 4 हो चुका है और क्लोरीन यहाँ पे 2 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन की संख्या बराबर हो चुकी। अब देखें ऑक्सीजन गाइस देख सकते हैं लेफ्ट साइड 2 है और राइट साइड ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो चुका है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और जलती हुई एक सफ़ेद लोह की तरह, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कौन सा लोह प्राप्त होता है, तो एक श्वेत प्रकाश कण प्राप्त होता है। तो आइए इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड मैग्नीशियम की संख्या 1 है, राइट साइड भी 1 है, तो मैग्नीशियम संतुलित है। अब देखें ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 2 है और राइट साइड 1, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की संख्या दोनों 2 हो चुकी है, तो ऑक्सीजन 2 तो मैग्नीशियम भी 2 होगी, इसलिए रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, तो आइए इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं लेफ्ट साइड सोडियम की संख्या 1 है, राइट साइड सोडियम की संख्या 2 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम की संख्या बराबर लेफ्ट राइट हो चुकी। अब देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या जो है राइट साइड 2 है, लेफ्ट साइड 1 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट और राइट बराबर हो चुकी। आप देखें सोडियम की संख्या बट 4 हो चुकी जो लेफ्ट साइड 2, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले। अगर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो कॉपर प्लस जल को मुक्त करता है, इस समीकरण को बैलेंस करता है। आइए तो गाइस देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो कॉपर की संख्या 1 है और राइट की संख्या 1 है, तो ये अपने आप में संतुलित है कॉपर। अब देखेंगे हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड भी 2 है, तो बराबर। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 1 है, ऑक्सीजन राइट साइड भी 1, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ
रिएक्शन करवाया जाता है तो सोडियम Na2 जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को मुक्त करता है। तो इस समीकरण को आइए बैलेंस करते हैं। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ जो राइट साइड सोडियम की संख्या 2 है, लेफ्ट साइड 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम की संख्या बराबर हो चुकी। अब देखें ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 2 हो चुका है तो राइट साइड भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। जिंक की लेफ्ट साइड नंबर 1 है, राइट साइड भी नंबर 1 है तो बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, राइट साइड भी हाइड्रोजन 2, तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। तो इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो सोडियम की संख्या 2 है, राइट साइड सोडियम की संख्या 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम का जो बैलेंस बराबर हो चुका। अब देखेंगे कार्बन की संख्या लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड भी कार्बन की संख्या 1 है तो ये बराबर। अब देखेंगे क्लोरीन लेफ्ट साइड 2 है, क्लोरीन जो है लेफ्ट साइड 1 है और राइट साइड क्लोरीन 4 हो चुका है, इसलिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन बराबर हो चुका। अब देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट साइड 4 है, राइट साइड 2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो चुका है। अब देखेंगे ऑक्सीजन देख सकते हैं लेफ्ट साइड 3 है, राइट साइड भी 4 हो चुका है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो इसलिए उसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो गाइस इस समीकरण को एक बार फिर से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सोडियम की संख्या गाइस आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड भी 2 है, किए इसे बराबर हो चुका है। अब देखेंगे क्लोरीन लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड 2 है, जिसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन 2 हो चुका है। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी 2 है तो ये बराबर हो चुका है। अब देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड 3 है, राइट साइड भी 1 और 2 3 हो चुका है तो रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो चुका है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस समीकरण को आइए बैलेंस करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो सोडियम की संख्या 1 है, राइट साइड भी 1 है, क्लोरीन लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड भी 1 तो भी संतुलित। देखेंगे अब हाइड्रोजन गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड 1 और 1 2 है, राइट साइड भी हाइड्रोजन संख्या 2 है तो ये अपने आप में बराबर है। ऑक्सीजन को देखेंगे लेफ्ट साइड ऑक्सीजन संख्या 3 है, राइट साइड भी गाइस आप देख सकते हैं 2 और 1 3 तो ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। तो इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। देख सकते हैं लेफ्ट साइड सोडियम की संख्या 1 है, राइट साइड भी सोडियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड भी 1 है, हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट साइड 1 और 1 2 है और राइट साइड भी 2 है तो रिएक्शन अपने आप में संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। NaSCO3 को अगर हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस समीकरण आइए बैलेंस करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो सोडियम की संख्या 1 और राइट साइड 2 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम का जो बैलेंस बराबर हो चुका है। अब देखेंगे कार्बन लेफ्ट साइड कार्बन की संख्या 2 है, राइट साइड कार्बन की संख्या 2 है, 1 और 1 2 बराबर हो चुका है। हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड भी हाइड्रोजन संख्या 2 है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन की संख्या 6 है, राइट साइड भी आप देख सकते हैं 6 हो चुका है, ऑक्सीजन 3 1 4 और 2 6 तो इस तरह रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी के शिफ्ट 1 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार से रिपीट किया गया है। तो इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं Al2O3 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस जल बनता है, समीकरण को बैलेंस करना। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या 2 है लेफ्ट साइड और राइट साइड एल्युमिनियम की संख्या 1 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम का जो संतुलित हो चुका है। अब देखेंगे क्लोरीन जो है लेफ्ट साइड 1 है और राइट साइड क्लोरीन की संख्या 6 हो चुका है तो इसलिए इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्लोरीन का भी रिएक्शन बैलेंस हो चुका। अब देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट साइड 6 है तो राइट साइड भी 6 हुआ या नहीं। तो गाइज अब देखते हैं यहाँ पे 2 है इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 6 हो चुका है। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो गाइज आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड ऑक्सीजन की संख्या 3 है, राइट साइड भी ऑक्सीजन की संख्या 3 हो चुका है तो रिएक्शन अपना में बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम ऑक्साइड को अगर हीट किया जाता है तो जल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो इसको बैलेंस करना है। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम संख्या 2 है लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी सोडियम संख्या ये किसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ऑक्सीजन 2 हो चुका है और 1 3 राइट साइड भी जो ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज ऑक्सीजन की संख्या 1। सॉरी गाइज ये क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट है, गलत हो